अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ जुनैर अशरफ और आज फिर मैं गुलाम कादर भाई के पास मौजूद हूँ। उनका माल मैं आपको इंशाल्लाह आज दिखाऊंगा। इससे पहले उनकी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने उनसे पूछा था कि उनके 25 बकरियों का माहाना खर्च और आमदन क्या है। तो आज भी इंशाल्लाह इनका माल दिखाएँगे। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले ना, इनके पास ये एक मेरे ख्याल में माल का जो टॉपर बच्चा है ना, बहुत हाई क्वालिटी का जो जानवर है, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है प्यारे भाई? अल्लाह का शुक्र है, दुआओं में। अच्छा कादर भाई, ए बकरा या पट है? ये बकरा है। बकरा है सर। उम्र कितनी को नहीं है? इनकी उम्र होनी है यानी कि कोई 2 महीने होनी है। 2 महीने? हाँ जी। तो व्यूअर्स, इसकी 2 माह अभी एज है और इसकी माशाल्लाह। अच्छा ए सर, बीतल है ना? हाँ जी, प्योर बीतल है। माशाल्लाह, इनका थोड़ा सा मुंह इधर चेक, माशाल्लाह इसका मुंह चेक करें, बहुत ना प्यारा है और नाक भी इसका गोल है। अब जिस बंदे ने जानवर देखना है ना, उसको इसकी क्वालिटी का खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे इसकी ज़्यादा ना तारीफ़ें करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इसे चेक कर सकते हैं ये कितना एक्टिव भी है, भाई के पास ना मीन के खड़ा नहीं हो रहा। अच्छा सर, ए माशाल्लाह 2 महीने बकरे की उम्र है, तो ये तुसी अपना सान रखे है या वैसे ही? जी ये बकरी सी मेरे को, बकरी यानी कि माल साडा रलिया। हाँ जी। ते ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई नहीं, ठीक है। यानी कि दसो दसो सर। मलक जमील दा बकरा सी। हाँ जी। ते बकरियां नाल रलाइयां सी। हाँ जी। लाल डब्बी बकरी मेरे माल दे विच फिरदी है। अच्छा, इस बकरे दी मां? जी जी, इस बकरे दी मां है। ठीक है। ते उंदे विचों यानी कि ये बकरा कल्ला ही जम्मया। अच्छा माशाल्लाह जी, ठीक है। अच्छा सर, इनू तुसी सांड तैयार करना? हाँ जी, इसको सांड तैयार करना। ठीक है, ओ ठीक हो गया। अच्छा सर, मेरे ना जड़े देखने वाले दोस्त होंगे, मैंने काफ़ी ज़्यादा कहते हैं यार सेल वाला जानवर दिखाया, सेल वाला हो या ना हो, लेकिन वो कहते अच्छी चीज़ तो दिखा देंगे, उनकी कीमत भी पूछा करो। हाँ जी। अच्छा सर, तुझे वैसे सेल करोगे अगर कोई बंदा आ ही जाता ना चाहत ना? जी बिल्कुल। अगर कोई चाहत ना आवे? जी। ठीक है जी। वैसे तुम इनके व्यापारी नहीं जी? नहीं जी, असा शौक वास्ते रखे हुआ। हाँ जी, साडा शौक है। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, इनका मैं आपको पहले भी वीडियो बता चुका हूँ टोटल डिटेल्स, वो आप वीडियो ना देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, ठीक है ना। अच्छा सर, अगर कोई बंदा ताड़े को जानवर, मैनू उम्मीद है कि इस जानवर की तुम्हें ना बहुत गल आनी है, अगर कोई बंदा तुम्हें राबता करता है तुम उन्होंने दोगे ना जानवर, सेल करोगे ना? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा इनकी हम कीमत दसो ना, मेरे देखने वाले मैंने हर दफ़ा ये कहते हैं कि तुम कीमत नहीं दस दे। जी कीमत इनकी नहीं दस सकते। अच्छा, उनकी कोई रीज़न? जी जी, फिर बंदे कहंदे ने तुसी वहाया हो रे दिता तुसी हो रे। हाँ जी। ये यानी कि कीमत नहीं ऐसा दस सकते। मीन के कोई बंदा शौक ना ताड़े को आ पाए तुसी सेल करोगे? जी शौक नाल आवे तो फिर बिल्कुल करांगे। ऑनलाइन नहीं तुसी कर दे? नहीं जी, ऑनलाइन नहीं। हाँ जी, वैसे भी नंबर दया दे आपदा। हाँ जी। ते वो नंबर ते सानू कॉल कर लवे। ठीक है जी। ते फिर असा उंदे नाल गल आप ही कर लांगे। ठीक है सर। इस तरह नहीं कीमत दसनी। ठीक है। तो व्यूअर्स, ये सही कह रहे हैं कि यार ऐसे, एक तो इनका ये व्यापारी नहीं है, रेबड़ वाला इनका माल है, ठीक है ना। जिस बंदे ने लेना है वो इनसे खुद रब्ता करे मोबाइल नंबर पर, क्योंकि वैसे भी बंदे कीमत वगैरह पूछ कर ना और कमेंट्स वगैरह में फिर वो हैरान होते हैं कि कीमत का, मीन कि उनको ना इशू कोई ना कोई होता ज़रूर है। तो जानवर इनका प्यारा है, इनका नंबर मैं इंशाल्लाह इसी क्लिप के साथ मैं वीडियो में ऐड कर दूँगा, इनसे एक दफ़ा पूछ भी लो। अच्छा गुलाम कादर भाई, एक दफ़ा अपना नंबर भी दसो। नंबर 0343 0343 15 15 11 11 728 728। हाँ जी, इन्हें व्हाट्सएप बनी हुई है। ठीक है प्यारे भाई। ईमो भी बनी हुई है। ठीक है। अच्छा सर, इन्हें छोड़ो, हूँ आप माल के दूसरे जानवर दिखाने हैं। इसकी मां नहीं दिखानी? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। इनका सर, इनका वैसे प्यो मलक जमील, प्यो मलक जमील को ले। हाँ जी, हाँ जी। इनकी मां मेरे माल च फिरदी है। ठीक है, चेक कराओ, दिखा देने हैं। कराओ कराओ सर। तो कादर भाई हमारे पास उस बकरे की मां लेके आ चुके हैं। अच्छा कादर भाई, ने थोड़ा आगन मूव करे जी। ठीक है सर। कादर भाई, ए उस बकरे की मां है जी? हाँ जी। ठीक है। ए तुसी वो मलिक जमील वाले बकरे को क्रॉस कराई सी? हाँ जी बिल्कुल जी। ठीक है सर। माशाल्लाह व्यूअर्स, क्वालिटी आपने खुद जज करनी है और बच्चा बहुत प्यारा था। अच्छा कादर भाई, ए बकरी एक दिन का किन्ना दूध दे देंदी है? जी बकरी दे देंदी एक दिन का दूध कोई 3 किलो 3.5 किलो दे देंदी बकरी। ठीक है जी। बाहर दे चराए ते। ठीक है ठीक है। हां जी, ते कुछ दाने शाने भी पाई देने इनू। ठीक है ते फिर दे देंदी है। ठीक है ठीक है। हां जी। तो चलो कादर भाई, माशाल्लाह इन्हें छोड़ो, प्यारा जानवर है। अगे सानू दूसरा बच्चा भी दिखा देने हैं तुहानू। अच्छा, इंदा होर जानवर भी है? हां जी, इंदा बच्चा दूसरे पहले सूरे दा भी हैगा। अच्छा अच्छा, वो भी चेक कराओ, दिखा देने। तो व्यूअर्स, अभी वो दूसरा जानवर इसी बकरी का बच्चा है। तो जो पहले मैंने आपको बच्चा दिखाया ना, मैं यार आपको रेट किसी वीडियो में भी नहीं बताऊंगा किसी जानवर का, नहीं मैं ट्राई किया करूंगा पूछने का, लेकिन वो रेवड़ वाले होते हैं वो नहीं बताते, क्योंकि मैं किसी व्यापारी के पास नहीं जाता, मैं सिर्फ सिर्फ रेवड़ों में जाता हूँ। अच्छा जी, ए दूसरा जानवर है? हाँ जी। ठीक है सर। ए सर, दांत की पहला ये चेक कराओ ना सर।
दुंद है जी, तो माशाल्लाह बहुत फ्रेश दुंद है। और सर इन्हें थोड़ा आगे का, और इसकी हाइट चेक करें, सीरियसली हाइट इसकी काफ़ी अच्छी है, कद बहुत इसकी जो दुम कहते हैं पूछल वो भी लंबी है, और सींग इसके थोड़े से लंबे हैं, लेकिन वैसे में इनके एक हाइट वाला बकरा है। अच्छा सर, ए बकरा उस बकरी का ही है ना? हाँ जी, उस बकरी का। इंदा जेड़ा प्यो ओ इंदा प्यो भी मलक जमील दे माल दे वेची फिरदा। ठीक है, और जेड़ा बकरे दी असी सर वीडियो एक बनाई भी हुई है, ओ तनी बल्ला याद नहीं? हाँ जी बल्ला जी, हाँ जी ओही ओही। ठीक है ठीक है, बिल्कुल ओही। सर दूध भी दिंदा बकरा? हाँ जी बिल्कुल ओही। ठीक है ठीक है ठीक, चलो कादर भाई। अच्छा कादर भाई, इंदा भी दस दियो सेल होएगा कि नहीं होएगा, कोई बंदा आवे तो? सेल बिल्कुल होवेगा। ठीक है, अगर यानी के साडे ना رابطہ करेदा। अच्छा नहीं, इदी वैसे कोई कीमत ताडे ज़ेहन च या दसना चाहो? नहीं जी, कीमत इत्थे असां नहीं दस सकदे, कोई साडे ना رابطہ करेदा ते बिल्कुल ओनु कीमत दसा दे। ठीक है ठीक है ठीक हो गया सर। हां जी, तो चलो सर इनू छड्डो, होर जानवर अपना दिखाओ, कोई प्यारा जिहा जानवर ताडे सारे माशाल्लाह अच्छे ने, ते होर चेक करो कोई। तो गुलाम कादर भाई दो और जानवर लेके आ चुके हैं। अच्छा गुलाम कादर भाई, दोवां बकरियां दी उम्र की पहले ये दसो? ਇਹ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੱਕਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ 9 ਕੁ ਮਹੀਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੀਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਖੀਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖੀਰਾ? ਇਹ ਵੀ ਖੀਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਖੀਰੇ। ਜੀ ਜੀ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੀ ਖੀਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਬਸ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਖੀਰੇ ਹਨ ਔਰ ਉਮਰ ਅਭੀ ਇਨਕੀ 9-9 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੀਤਲ ਸ਼ੇਡ ਚ? ਹਾਂਜੀ ਪਿਓਰ ਬੀਤਲ ਹੈ ਬੱਕਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। अच्छा ये मीन के ब्रीडर बन सकता जी अगे? हाँ जी बिल्कुल बन सकता। ठीक है गुलाम कादर भाई, ए भी माशाल्लाह जानवर ब्लैक प्रिंट में बीतल है, बीतल है ना? बीतल है ना? हाँ जी प्योर बीतल है ये। ठीक है ठीक है, ए सेल करोगे? हाँ जी बिल्कुल सेल कराने। ठीक है, ते करने है तो सी मीन के अगर कोई बंदा आप कांटेक्ट करेगा? हाँ जी बिल्कुल जी। ठीक है सर, तो व्यूअर्स काफी ज्यादा व्यापारी से आज मैं बात करूँ तो वो तो नंबर बता देते क्योंकि उन्होंने जानवर सेल करना होता है। ये देखे ना, अब उनका एक अपना शौक है और उनकी मीन के अपनी कोई सिस्टम होगा, वो ऐसे नहीं मिनके जानवरों के रेट बताता कोई भी रेवड़ वाला बंदा। मैं बेसिकली किसी व्यापारी के पास अभी तक नहीं गया और ना ही मैं जाना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह जाऊँ कभी, लेकिन मैं रेवड़ों की वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ और जानवरों की मैं क्वालिटी, क्योंकि अच्छे जानवर रेवड़ में होते हैं और जो जानवर सेल वाला होता है वो व्यापारी ज़रा मंडी ले जाते हैं, तो इंशाल्लाह मैं तो सिर्फ आपको ना रेवड़ ही दिखाया करूँगा। अच्छा गुलाम कादर भाई, जानवर तुम सेल वाले तुम 4-5 दिखा चुके, सेल वाले नहीं शौक वाले, ते अपना नंबर भी एक दफा बोल दो। 0-3-43 15 11 11 7-8 7-8 ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਲ? ਆ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਕਾਫੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਲਥੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋ ਦਾਣਾ ਦੂਣਾ ਪਾਈਦਾ, ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮੀਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਮੀਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕੋਈ ਕਾੜਾ ਕੂੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਛਵਾਈ ਦਿੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਈਆਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਦਰ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਕਾਦਰ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਓ। ਤੋ ਵੀਰ ਜਾਨਵਰ ਇਨਕੇ ਪਾਸ 25 ਕੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕਮ ਇਨਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਸੋਰਸ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਬ ਦੇਖੇ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਇਨਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾ 25 ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਔਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਿੰਕੇ ਕੁਝ ਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ? ਜੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਰੇ 12-13 ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 12-13 ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋ 12-13 ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ 15-16 ਗੜਵੀਆਂ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਘਰੇ ਪੀ ਲਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। अच्छा कादर भाई, ए मिक्स चीज है ना? हां जी, ये मिक्स ही चीज है। ठीक है, ए तुसी बकरा होने ते अच्छा छड्डोगे? हां जी। फिर आगे बीतल तैयार मिन के अच्छी क्वालिटी बनाओगे? हां जी, फिर बच्चे चंगे जमण दे। हां जी, जो तो बकरा को चंगा फिर आंदे लाल डब्बा फिर आंदे। हां जी, काला डब्बा फिर बच्चे चंगे जमण दे। ठीक है। अच्छा कादर भाई, चीज मिक्स मिल गई आपां नूं, दोस्त ना इना इस चीज दा भी काफी शौक रखदे आ क्योंकि हर बंदा बीतल बकरी नहीं खरीद सकदा ते ओ मिक्स चीज वाल बहुत भज के जांदा है। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਰ। ਇਹ ਕਾਦਰ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇਗੀ? ਜੀ ਕਾਦਰ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇਗੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾ 2-2.5 ਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਕਸ ਚ ਹੈ ਮੀਨ ਕਿ ਪਿਓਰ ਬੀਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ।
ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तुसी अगर अच्छा ब्रीडर क्रॉस कराओगे। हाँ जी। तो भी इसका हवाना अभी चेक करें, अभी दिन का आई थिंक 2 बजे का टाइम है, बकरी के नीचे मेरे ख्याल में 1.5 किलो के करीब दूध है अभी, और जब इसने शाम होनी है 2 किलो कह रहा हूँ, तो यहाँ तकरीबन आराम से 2 किलो इसने कर लेना है। तो इनके पास ये अच्छा जानवर है और इनका एक अच्छा ना सोर्स बना हुआ है अर्निंग का। अच्छा सर, और के जानवर दिखाओ, और चीनी पर चेक कराया जाए लम्बे कनाल ही इस साइड से सर ले आओ तुपे। अच्छा कादर भाई, माशाल्लाह इनका कद बहुत अच्छा है। हाँ जी। ये भी तुसी आप ही बकरे क्रॉस करा के तैयार की थी? हाँ जी बिल्कुल जी, इनकी मां बिल्कुल दरगी सी। अच्छा जी। ते बकरा उन्दे तो चंगा छड़िया था। हाँ जी। ते बकरी अगो चंगी बन गई माशाल्लाह। नहीं नजर आ रही है सर, माशाल्लाह इनका कद बहुत लंबा व्यूअर्स, और इसके जो कान है ना आप वो चेक करें सर, इनके कान थोड़े चेक कराए, माशाल्लाह काफी चौड़े हैं और लंबे भी हैं दोनों कान, और जिससे नजर आता है इनके इन्होंने ना मिक्स मीन के बकरियों पर अच्छा ब्रीडर क्रॉस कराया है, और उसकी एक लाइव एग्जांपल मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। ठीक है सर। अच्छा कादर भाई, और कोई जानवर दिखो। अब फिर इनके जानवर सारे ही मीन के काफ़ी दोस्तों को शौक होता है ना, बीतल का भी होता है, हर चीज़ का शौक होता है, तो इनके पास माशाल्लाह हर किस्म का जानवर है। ये कोई व्यापारी वगैरह नहीं है और ना ये जानवर सेल कर रहे हैं, लेकिन शौक से दिखा रहा हूँ। कोई दोस्त आएगा इनके पास मीन के, कोई नए फार्मर होते हैं ना, उन्हें इन किस्म के जानवरों की ज़रूरत होती है, तो मैं इनसे रब्ता करें, इनका नंबर मैं इंशाल्लाह वीडियो में चलाऊंगा और आपको इनका मुकम्मल एड्रेस भी लेकर दूंगा। अच्छा कादर भाई, कितने दांत है? अब 8 है ना? हाँ जी। कितने दांत है? 24 है सर। ठीक है ठीक है। तो ये एक दफे क्रॉस नहीं हुई जी? नहीं जी, हुई हुई सुमन वाली है। अच्छा प्रेग्नेंट है? हां जी, आप ही यानी कि क्रॉस लेट करवाई लेट है, तो माशाल्लाह कद खुद कर जे कद बढ़ाना सी। हां जी ठीक है ठीक है सर। तो इसकी हाइट आप चेक कर सकते हैं, 2 महीने की गब्बन है। ठीक है ठीक। अच्छा कादर भाई, ओ आगे ओ जड़ी चिट्टी बकरी हो कि मक्खी जिन्ना प्रिंट है की सकता बंदा मक्खी जिन्ना है? हर किस्म दा माशाल्लाह हर ब्रीड रखी है तुसी? हां जी हर किस्म दी क्वालिटी माशाल्लाह जी। तो व्यूअर्स यार, इनका एक वीडियो पहले भी आ चुकी ना, ये चेक करें यार जानवर, 25 के करीब जानवर हैं इनके, इंशाल्लाह आपको सारे दिखा चुका हूँ। अच्छा सर, है पट कितनी की उम्र है जी? इसकी उम्र हैगी है कोई 7 माह। 7 माह माशाल्लाह, इसकी भी एज काफ़ी ज़्यादा। सर जो तेरे बकरियों के बच्चे हैं ना, कद कुद ते सेहत बड़ी अच्छी, इनकी सेहत काफ़ी अच्छी है, तो सर इनका की राज है माशाल्लाह? तुम इन्होंने दुध देते या कोई होर कोई तरीका साबता लाते जानवर जो बच्चे ने ना बकरियों के, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਆ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਛੱਡਦੇ ਕੋਈ ਸਾਖਤ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬੱਕਰਾ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਨੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਭਰਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਕੋ ਚੰਗਾ ਛੱਡਣ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਚੰਗਾ ਬੱਕਰਾ ਫੇਰਨ, ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਤਲ ਬੱਕਰੀ ਫਿਰ ਬਣਦੀ, ਬੱਕਰਾ ਪਿਓਰ ਬੀਤਲ ਛੱਡਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਲ ਡੱਬਾ ਬੱਕਰਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਡੱਬਾ ਬੱਕਰਾ ਛੱਡਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਵਿਵਰਸ, ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਹੋਣੇ ਕੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਇਨਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਏ ਹੈ, काफ़ी अच्छे जानवर हैं इनके माशाल्लाह, इनका ना एक अपना रोज़गार बना हुआ है, और कोई नया बंदा अगर गोट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है ना, तो उनकी एक लास्ट वीडियो गुलाम कादर की मैं आपके साथ शेयर की है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे सवाल जो नए गोट फार्मिंग करते हैं ना मुझसे, उन सब सवालों के जवाब दिए थे इन्होंने, और उम्मीद है आपको इनकी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। स्पेशली ये बच्चा मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। हाँ जी